हेलो बच्चों, आवाज हमारी आ रही है बच्चों? बेटा आवाज हमारी आ रही है बेटा? फटाफट एक बार जल्दी से टाइप कर दीजिए। ओके, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए भाई। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था, इसके लिए माफी चाहते हैं। थोड़ा सा देर हो गई बेटा, ठीक है, एडजस्ट करने में। चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करेंगे। जल्दी जल्दी जो जो आ गया है फटाफट एक बार बता दो भाई, जल्दी से, फास्ट फास्ट, बाकी लोगों को भी, ठीक है, बाकी लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं फिर। बायोलॉजी ब्रेन टीजर सीरीज नाम है, तो सवाल आपके सामने जब आए बेटा तो बहुत अच्छे से आप सवाल को देखिएगा और हर एक सवाल और ऑप्शन को इत्मीनान से पढ़िएगा। ध्यान रखिएगा कि हमारी प्रायोरिटी है सवाल को सही करना और रिवीजन करना। बहुत तेज चल के चीजें अभी नहीं करनी है। स्पीड, अगर हमें गाड़ी चलाना आ जाएगा, अगर हमें अटेम्प्ट करना आ जाएगा, एक कुरेसी आ जाएगी, तो हम बड़े ही आराम से स्पीड गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम केवल स्पीड पे ध्यान दिए और सही नहीं कर पाए तो हम बहुत ज्यादा नुकसान में होंगे, सिली मिस्टेक्स हमसे ज्यादा होंगी। तो ये पहला ब्रेन टीजर पेपर आपके लिए है, 75 सवाल हैं। देखते हैं कितना जल्दी आप फास्ट आंसर करते हैं। लेकिन गलत आंसर करना नहीं है आपको, सवाल को बड़े इत्मीनान से पढ़ना है। और दूसरी बात, पेन पेपर आप रखिए अपने पास, ताकि आपको ये पता रहे कि आपने कौन सी गलती कर दी और आप उससे कौन सी नॉलेज को गेन कर पाए। फटाफट जुड़िए, जल्दी से पेन पेपर आप रखिएगा बच्चों, जिससे आपको चीजें पता रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बिल्कुल सिंपल सवाल। बाकी लोग जुड़ते रहे, जुड़ जाएं भाई, बाकी सबको बता दो, ठीक है, फटाफट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट पढ़िए और आंसर कीजिए। इन सिलेंट्रेट्स नॉन सेलुलर लेयर, जी फटाफट जल्दी से, बहुत अच्छे, जुड़ते जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए बेटा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। फर्स्ट टाइम था इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ, इसके लिए माफी चाहते हैं। आगे से कोशिश रहेगी ऑन टाइम हो। एक दो बार चीजें करने के बाद अच्छे से पता चल जाती हैं, आप तो जानते ही हैं, टेक्निकल पार्ट है इसमें थोड़ा सा। चलिए शाबाश, आंसर आने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर एक्टोडर्म एंडोडर्म दोनों के बीच की लेयर जो है बेटा, उसे नाम दिया जाता है मीजोग्लिया। तो आंसर जाएगा थर्ड। आप कहेंगे सर मीजेनकाइम क्या है? मीजेनकाइम जो है बेटा वो पोरीफेरा में पाया जाता है, और पोरीफेरा के अंदर एक्टो ऑर्गन्स या जेली लाइक लेयर होती है, जबकि ये ए सेलुलर या नॉन सेलुलर, ए सेलुलर फाइब्रस लेयर होती है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो ध्यान रखिए मीजेनकाइम आंसर नहीं है, आंसर जाएगा मीजोग्लिया, मीजेनकाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय ज्यादा नहीं लेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन चिलॉन और कैलोटीज, नाजा और बंगेरस, जल्दी से बताइए फटाफट अपने दोस्त। चिलॉन, कैलोटीज, आंसर करिए कैलोटीज, चिलॉन, कैलोटीज, ये सब के सब क्या है? ऑल जो है, जितने भी यहां पर एग्जाम्पल है बेटा, वो सब जो है वो क्या है? रेप्टाइल्स। और अगर रेप्टाइल्स हैं तो रेप्टाइल्स का मतलब ही होता है रेंगने जैसा लोकोमोशन। कंपाउंड आई नहीं, पॉइजन ग्लैंड नहीं, ज्वाइंटेड लेग्स नहीं, आंसर होगा फोर्थ, क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, याद रखेंगे फोर्थ, सबस, बहुत अच्छे, क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन।
नाजा नाजा और बंगारस करेक्ट बंगार जल्दी से टाइप कीजिए कैलोटीज का नाम जल्दी से टाइप कीजिए बेटा सबस कैलोटीज का नाम टाइप कर दीजिए जल्दी से गार्डन लिजार्ड फटाफट स्लो टाइप कर रहे हैं आप सब थोड़ा सा तेज नहीं सी नहीं होगा क्रॉलिंग ध्यान रखिए ये सारे के सारे बेटा क्या है रेप्टाइल्स हैं और रेप्टाइल्स का मतलब क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन ये लाइन आप अच्छे से पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आंसर करिए गुड आफ्टरनून शुभम गार्डन लिजार्ड महेंद्र कुमार ठीक है शाबाश गार्डन लिजार्ड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एंजियोस्पर्म ध्यान रखिएगा बच्चों यहां पर हमें एंजियोस्पर्म को आइडेंटिफाई करना है यू विल प्रेफर विच कैरेक्टर एंड व्हाई जल्दी से आंसर कीजिए फ्लावर्स बिकॉज इन डिफरेंट स्पीसीज फ्लावर्स शो यूनिफॉर्मिटी ऑफ कैरेक्टर जल्दी से आंसर कीजिए अच्छा सवाल तो देखिए फ्लावर्स सही बात है एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट है लेकिन डिफरेंट स्पीसीज के फ्लावर्स कैरेक्टर अलग अलग फीचर पाए जाते हैं फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते चलिए दूसरा आता है इंटरब्रीडिंग इंटरब्रीडिंग बेटा स्पीसीज को सेम स्पीसीज का मेंबर होने के लिए जरूरत पड़ती है स्पीसीज सेम स्पीसीज का मेंबर होने के लिए इंटरब्रीडिंग की जरूरत बिकॉज इट इज नेचुरल कैरेक्टर ऑफ स्पीसीज तो स्पीसीज का ये कैरेक्टर है तो एंजियोस्पर्म के लिए नहीं होगा रिक्वायरमेंट ये बात तो सही है लेकिन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो हैं बेटा वो लेस कंजर्वेटिव होते हैं वो कैसे होंगे लेस कंजर्वेटिव ये कैसे होंगे लेस कंजर्वेटिव और ये जल्दी जल्दी बदल भी जाते हैं तो इस वजह से हम लोग यहां आंसर करेंगे फ्लोरल कैरेक्टर और फ्लोरल कैरेक्टर में सेपल पेटल स्टेमन और कार्पल बिकॉज दीज शो ए वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन देखिए पहले ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में क्या अंतर है यहां पर वेरिएशन है यहां पर यूनिफॉर्म तो यूनिफॉर्म क्वेश्चन जल्दी से लेबल करके बताइए फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने आंसर कीजिए बेटा जल्दी से यहां पर ए को क्या लेबल करेंगे भाई कैप्सूल सी को क्या लेबल करेंगे जल्दी से बताइए सीटा और बी को क्या लेबल करेंगे जल्दी बताइए मेन एक्सिस और डी को क्या लेबल करेंगे राइजोइड्स और अगर मान लीजिए यहां पर ई होता बेटा तो ई को क्या लेबल करते जल्दी का होना एक जबरदस्त करेक्टर होता है जबकि कभी भी किसी गेमेटोफाइट में लीफ नहीं पाया जाता है कभी भी किसी गेमेटोफाइट में लीफ नहीं पाया जाता है तो आंसर करिए फटाफट कैप्सूल में क्या लिखा है दो है तीन नंबर और राइजोइड्स क्या है फर्स्ट तो आप देखिए ए बी सी डी आपको बोलना है तो यहां पर ए के लिए क्या आएगा सेकंड बी के लिए थर्ड सेकंड और थर्ड आप देखिए यहां सेकंड और फोर्थ है तो ये क्या हो गया गलत सेकंड थर्ड फोर्थ और फर्स्ट आंसर क्या आएगा फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी बहुत धांसु क्वेश्चन है हमारी तरफ से ये बहुत स्टार मार्क क्वेश्चन है बेटा नीट 2021 के लिए सवाल पढ़िए इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज एक वर्ड है यहाँ पर क्लब मास मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं यहाँ क्लब मास नाम होता है लाइकोपोड वो है टेरिडोफाइट और मास जो होता है वो है ब्रायोफाइट फटाफट आंसर कीजिए जल्दी से आंसर करें भाई सवाल बहुत अच्छा है बेटा कैप्सूल किसका पार्ट है स्पोरोफाइट का तो कैप्सूल और कैप्सूल पार्ट किसका है स्पोरियन
तो कैप्सूल भी क्या होगा आप बताओ, 2n। और रूट्स ऑफ क्लब मॉस, टेरिडोफाइट की अगर बात करें तो आप बताइए मेन प्लांट बॉडी ही क्या होती है, तो रूट भी क्या होगी 2n। तो आप बताओ कैप्सूल ऑफ मॉस 2n होगा, बिल्कुल सही बात। और रूट्स ऑफ क्लब मॉस लाइकोपोडियम आर डिप्लॉयड, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर आपका फर्स्ट जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्यों गलत है। राइजोइड्स ऑफ मॉस, राइजोइड्स जो है गेमेटोफाइट का, बहुत अच्छा सवाल है। गेमेटोफाइट एन होता है। रूट्स ऑफ हॉर्स टेल्स, हॉर्स टेल्स स्पोरोफाइट इसलिए 2n। तो आप बताओ यहां पर रूट्स जो होंगी वो क्या होंगी 2n, राइजोइड्स जो होंगे वो क्या होंगे n, और इन्होंने क्या लिखा है डिप्लॉयड। तो ये बात पाई जाती है किसमें, जल्दी से बताइए, ब्राउन एल्गी के अंदर। कहां पर पाई जाएंगी, ब्राउन एल्गी के अंदर। और फर्न में भी लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर है यहां पर हम लोग बोल देते हैं, और ये फ्रॉन्ट्स मेनली कहां पाई जाएगी, ब्राउन एल्गी में। लेकिन फर्न में भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर को फ्रॉन्ट बोलते हैं, जो कि यहां पर 2n होगी, क्योंकि बेटा ये क्या हो, ब्राउन एल्गी में भी और फर्न में भी। तो क्या कहेंगे आप, ये 2n होगा क्योंकि ये टेरिडो है। प्रोटोनेमा ऑफ मॉस ये हमेशा n होगा, तो इन्होंने दोनों के लिए हैप्लॉयड कहा है, इसलिए गलत। तो जिम्नोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी 2n होगी, जबकि इंडोस्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट n होता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, इसलिए बोलते हैं इसे लीव्स एंड इंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म आर डिप्लॉयड। नहीं, इंडोस्पर्म क्या होता है, हैप्लॉयड, और लीव्स क्या होती है, डिप्लॉयड, इसीलिए ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट। नहीं, आंसर थोड़ा अच्छे से बताएं भाई, आंसर अच्छे से बताएं। आंसर इसका जो आएगा वो आएगा आपका फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट फॉर न्यूक्लियोलस, ध्यान रखिएगा न्यूक्लियोलस के बारे में बात की जा रही है, तो पहले पढ़िए है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन बोलते हैं बेटा, इसका फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। और ये रीजन जो है वो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम 13, 14, 15, देखिए न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन 13, 14, 15 और 21 और 22 नंबर क्रोमोसोम से अटैच होता है, जो टीलोफेज के बाद, टीलोफेज के दौरान जब आप देखेंगे तो वहां पर न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन करने में मदद करता है। तो ये बात तो सही है, स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म, सही बात है। न्यूक्लियोलस इज ए साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ, अभी तक सही आंसर नहीं आया बेटा, न्यूक्लियोलस इज ए साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ एक्टिव राइबोसोमल प्रोटीन। ये बताएं द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, सही बात है। क्यों ऐसा है, ये तो सही बात है, क्यों, कि ये कैसा होगा, मेम्ब्रेन लेस, आंसर करो बेटा फटाफट, ये मेम्ब्रेन लेस होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। बताइए प्रांजुल ने सही आंसर किया बेटा, बिल्कुल सही बात है। क्या गलत है यहाँ पर, प्रोटीन, यहाँ प्रोटीन नहीं होगा बल्कि एक्टिव राइबोसोमल आरएनए होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं आरआरएनए। तो आप कहते हैं यहाँ पर कि न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ एक्टिव राइबोसोमल या फिर आर आर एन ए, तो ये आंसर हो जाएगा। गलत कौन सा होगा, थर्ड पार्ट, तो आंसर क्या जाएगा, थर्ड। बाकी सब सही है, लेकिन यहां प्रोटीन है इस वजह से गलत है। शाबाश, बहुत अच्छे आंसर टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, जल्दी जल्दी। कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन को आप में इंटरफेयर्स विद, किसके साथ इंटरफेयर करती है, डीएनए रेप्लिकेशन, नहीं, स्पिंडल फॉर्मेशन, सही है। मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंसाइसियम कंडीशन बनाती है, नहीं, स्पिंडल फॉर्मेशन, सही है। और पॉलीपोलाइडी, बिल्कुल सही है, अगर हैप्लॉयड पे डाल दिया जाए तो डिप्लॉयड, और डिप्लॉयड पे डाल दिया जाए,
कॉल्चिसिन को तो टेट्रापोलाइड और टेट्रापोलाइड पे कॉल्चिसिन तो ऑक्टापोलाइड। तो यहां पर बेटा आंसर क्या जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इत्मीनान से अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तभी आप बता पाएंगे। इंतजार रहेगा हमें सही आंसर कोई बच्चा करे फटाफट। एक mRNA दिया गया है और इस mRNA का नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस दिया गया है जो कि आपके सामने है। AUG, AAA, GCU, UAG, AGG, AUU और राइट द एंटीकोडॉन्स ऑफ tRNAs। tRNA का एंटीकोडॉन लिखना है सबके लिए नहीं, विच रिकॉग्नाइज थर्ड एंड फोर्थ कोडॉन ऑफ mRNA। अब बच्चों थर्ड और फोर्थ के लिए अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे कि यहां पर अगर ये स्टार्टिंग कोडॉन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है और ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। ये थर्ड के लिए सही आंसर जो दे देगा बेटा बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। जल्दी से आंसर कीजिए, पेन पेपर लेके बैठिए, जल्दी से आंसर कीजिए। थर्ड और फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ आंसर कीजिए। महेंद्र कुमार एक, विवेक एक, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। NCERT की लाइन है बेटा, फर्स्ट आंसर कर रहे हैं। शाबाश। और कोई आकाश, और कोई? चलिए आपका ध्यान केवल थर्ड और फोर्थ पे होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बनाना शुरू कर दिया होगा लेकिन आप देखिए जो फोर्थ पे है बेटा वो है कौन, UA मतलब टर्मिनेटेड कोडॉन होता है। तो टर्मिनेटर tRNA कोई पाया ही नहीं जाता है। टर्मिनेटर tRNA कभी भी प्रेजेंट ही नहीं होता है। टर्मिनेटर tRNA कभी प्रेजेंट ही नहीं होगा। और टर्मिनेटर tRNA अगर नहीं होगा बच्चों तो यहां पर आप देखो यहां भी टर्मिनेटर फोर्थ के लिए, फोर्थ के लिए, फोर्थ के लिए दिया है। आप देखो यहां पर आंसर क्या जाएगा, नन मिनेटर कोडॉन। और अगर आपको याद हो NCERT की लाइन कि टर्मिनेटर tRNA कभी भी नहीं पाया जाता है, इनिशिएटर tRNA पाया जाएगा। बोलो समझ में आ गया, फटाफट जल्दी बताओ। तो टर्मिनेटर, सवाल गलत होंगे आपके क्योंकि बेहद कंसेप्चुअल है बेटा, लेकिन परेशान नहीं होना है आपको बिल्कुल। जो सिखा रहे हैं, जो समझा रहे हैं वो आपको अच्छे से आना चाहिए। हाँ जल्दी से कमेंट कर दो, ये आ गया सबको, ये आपसे गलती हो जाएगी नीट 2021 में बेटा। जल्दी से बता दो, ये बात समझ में आ गई क्या? शाबाश। क्या याद रखना है आपको कि इनिशिएटर tRNA होता है लेकिन टर्मिनेटर tRNA नहीं होता है। देखो आपने जैसे ही सीक्वेंस देखा आपको लगा केवल कॉम्प्लीमेंट्री बताना है तो आप फटाफट जुट गए बताने में, ये गलती नहीं करनी है। अगर स्टॉप कोडॉन है, अगर टर्मिनेटर कोडॉन है तो वहां पर कोई tRNA नहीं आएगा, अपने आप ही वहां पर ट्रांसलेशन रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से मैच करिए बेटा, मैच कीजिए इसको फटाफट, आंसर करें। यहां पर अल्टरनेट है, वर्ल्ड है और अपोजिट है। जल्दी से, सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड, मोर देन टू लीफ्स अराइज। अगर सिंगल लीफ की अगर बात की जाए बेटा तो यहां पर ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है। अगर सिंगल लीफ की बात की जाए तो आप देखो ये सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड मोर तरीके से, जल्दी से आ जाओ, ये आ गया। नेक्स्ट आएगा यहां पर पेयर ऑफ लीव्स अराइजेज एट नोड, तो इसका मतलब है कि यहां पर ये नोड है, ये इस तरीके है, तो तीनों की बात सही है। मतलब यहां पर ए एक्स से मिल रहा है, बी वाई से मिल रहा है और सी सही बात मैच कर रहा है। अल्स्टोनिया मैच कर रहा है, कैलोट्रोपिस गुआवा मैच कर रहा है। तो आंसर आपको देना है जल्दी से, 2CZ3 आंसर इज फर्स्ट, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
मैच द फॉलोइंग, जल्दी करिए मैच द फॉलोइंग, सवाल गलत होने दो लेकिन आप अटेम्प्ट करते रहिए फटाफट। करेक्ट ऑप्शन, मैंने आपसे कहा था ना कि ये नॉर्मल नहीं बल्कि एनसीईआरटी का ब्रेन है, हाँ कि दिमाग बिल्कुल अच्छे से लगाना पड़ेगा आपको। देखिए जल्दी से मैच करिए, चलिए सीपीआर मैच करिए बेटा, आंसर करिए कटल फेस, जल्दी से अगर नहीं आ रहा है तो भी। पाइला मोलस्का है तो रेडुला, फाइल लाइक रेस्पिंग आर्गन, नेरीज एक्वेटिक है, एनेलिडा पैरापोडिया फॉर स्विमिंग एंड लोकोमोशन, टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक आर्गन। तो अगर आपको इकाइनस नहीं भी मिल रहा था तो आप फटाफट एरिस्टोटल लैंटर्न, तो एक ऑप्शन बता दीजिए आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। सब टाइप करो भाई तेजी से, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, आप देख लीजिए। थर्ड, फर्स्ट का सी, सेकंड का ई, थर्ड का ए, फोर्थ का बी और फिफ्थ का डी। फास्ट, यहां पर तेज चलेंगे बेटा, जल्दी जल्दी करो यार, आंसर करो फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट का मतलब आपको छांटना है गलत, जल्दी से गलत बताइए कौन कौन होगा। हाइड्रा इज पॉलिप, वाटर इंटर इन स्पंज थ्रू ऑस्कुलम, फ्लैट वर्म्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन कॉर्डेट, जल्दी बताइए। वाटर एंट्रेंस, ऑस्कुलम, हाइड्रा, पॉलिप, जल्दी आंसर कीजिए फटाफट आंसर करो भाई, बहुत स्लो आंसर कर रहे हैं। हिमांशु भी आ गया, अखिलेश, अनुपा, अनुज, सब जल्दी से आ जाइए। कविता, लरायब, विवेक, आंसर करो भाई। सेकेंड, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर किया है, तो याद रखिए बेटा पॉलिप जो है वो हाइड्रा में पाया जाता है और पाया जाता है एडम्सिया में, और ऑरेलिया में क्या पाया जाता है भाई, ऑरेलिया में मेडुसा, और एडम्सिया का नाम होता है सी एनी मोन। तो बच्चों ये तो पॉलिप पाया जाता है, सही बात है। फ्लैट वर्म, फ्लैट वर्म्स का मतलब क्या होगा, प्लेटी हेलमेंथीस, और प्लेटी हेलमेंथीस जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, हाँ फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हुआ। नोटोकॉर्ड जो है वो कहां प्रेजेंट होगी, कॉर्डर करेगा क्या नहीं, जल्दी जल्दी, ये आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है लेकिन मालूम होना चाहिए। द ग्रेन्यूल्स आया हुआ सवाल है बेटा, द ग्रेन्यूल्स स्टोरिंग आरएनए एज ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, मतलब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस एन और पी इन बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज, तो याद रखिए बेटा वोलूटिन ग्रेन्यूल्स, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स और पॉलीफॉस्फेट, एक फॉस्फेट को मोनोफॉस्फेट, एक से ज्यादा, तो ये तीनों नाम सेम है, ये तीनों नाम सेम है, सेम नेम बोल जाएंगे, चाहे आप वोलूटिन ग्रेन्यूल्स, चाहे आप मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स बोलिए, चाहे पॉली मेटाफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स बोलिए, तो तीनों नाम एक ही है, इसलिए ध्यान रखिएगा आंसर जाएगा ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से बताइएगा, जल्दी से बताइए बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और करेक्ट का मतलब है सही, सही स्टेटमेंट आपको बताना है। नो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इज फाउंड इन मेच्योर स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया एक्सेप्ट द जैकेट ऑफ कैप्सूल। स्पोरोगोनियम, स्पोरोगोनियम का मतलब होता है बच्चों स्पोरोफाइट, स्पोरोगोनियम का मतलब स्पोरोफाइट, जल्दी बताओ भाई। ऑफ रिक्सदर सेल्स ऑफ रिक्सिया हैव क्लोरोप्लास्ट, जल्दी बताइए ऑल ऑफ दीज, आंसर करिए बेटा अच्छे से, सवाल नहीं अच्छे से सवाल आंसर कीजिए। चलिए बहुत अच्छे से अगर आप पढ़े होंगे तभी आप आंसर कर पाएंगे बेटा, जल्दी देखिए। नो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, नो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इज फाउंड इन मेच्योर स्पोरोफाइट, ऑल कैप्सूल ही पाया जाएगा, तो आप बताओ स्पोरोफाइट तो हमेशा डिप्लॉयड होगा तो 2n और कैप्सूल उसका पार्ट होगा तो वो भी 2n, तो यहां पर जैकेट ऑफ कैप्सूल ही केवल 2n होगा, इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा, तो ये क्या हो गया गलत। स्पोरोगोनियम एंड स्पोर मदर ऑफ रिक्सिया
स्पोर मदर सेल्स ऑफ एक्सिया हैव क्लोरोप्लास्ट? नहीं बेटा, यहाँ पर ये डिपेंड होता है गैमेटोफाइट पर, मतलब गैमेटोफाइट वेल डेवलप्ड होगा और उसके ऊपर डिपेंड होता है कौन, स्पोरोफाइट। तो ये बात भी गलत है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट होता तो वो फोटोसिंथेटिक हो जाता। तो आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ गेमेट्स, गेमेट्स आर, जल्दी बताइए, बाइफ्लैजलेट, जल्दी आंसर करो फटाफट, जल्दी से आंसर कीजिए। तो आंसर आएगा जल्दी, नहीं गलत है, अभी आंसर नहीं आया बेटा, आंसर नहीं आया अभी, जल्दी। प्रांजुल ने सही आंसर, विवेक सही आंसर, लरायब, विवेक, अनुपा, विवेक सब ने, अनुपा गलत है बेटा। रेड एल्गी के अंदर, रेड एल्गी में कभी भी नो मोटाइल स्टेज, यहां पर नो मोटाइल स्टेज, कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं पाई जाती है। याद रखिए सेक्सुअल गेमेट्स कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। और अगर यही ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता बेटा, ए सेक्सुअल, यहां पर स्पोर्स होते तो स्पोर भी कैसे होते, नॉन मोटाइल। तो आप आंसर क्या करेंगे, फोर्थ, बहुत बार बताया, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताइए, रिलेटेड टू फैट सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर लाइसोसोम लाइक एक्टिविटी आर ट्रू फॉर पराफेरोसोम? जल्दी आंसर करो फटाफट, जल्दी बताओ भाई, ये सब की सब ऑल जो है, जितनी भी दी गई है बेटा, ये सब यहां पर पराक्सीसोम, ग्लाइसोसोम और स्फियरोसोम, ये तीनों क्या हैं, ऑल माइक्रो बॉडीज हैं। जल्दी आंसर नहीं होगा बेटा, यहां आंसर आएगा फोर्थ, याद रखिएगा। पराक्सीसोम तो पराक्साइड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, फैट से उसका रिलेशन नहीं होता है। पराक्सीसोम तो पराक्साइड मेटाबॉलिज्म मतलब H2O2 को तोड़ता है H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में एनिमल के अंदर और प्लांट के अंदर। याद सवाल है CBSE का, नीट का आया हुआ सवाल है बेटा, चलिए ध्यान रखिएगा। तो आंसर आएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी देखिए और बताइए जल्दी से, विच स्टेटमेंट इज, आपको जल्दी आंसर कीजिए फॉर पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड के लिए। तो पॉलीसेकेराइड क्या है, ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल है, जल्दी से। और दीज आर फाउंड इन एसिड इन सॉलिबल पूल, सही बात है, अगर छाना जाए तो छन्नी में रह जाएगा और छन्नी में रहने वाले को एसिड इन सॉलिबल पूल। दे आर माइक्रो मॉलिक्यूल, नहीं माइक्रो नहीं है, सैकेराइड चेन है इस तरीके से, और अगर उसका ये राइट एंड है, ये लेफ्ट एंड है, तो राइट एंड कौन सा होगा, राइट एंड रिड्यूसिंग और लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये इन एसिड सॉलिबल पूल में पाए जाएंगे, गलत है, दे आर मैक्रोमोलिक्यूल, ये बात बिल्कुल सही है। तो आप देखो सही आपको छांटना था, तो ये ए हो गया सही, सी हो गया और ई हो गया। जल्दी थोड़ा एफिशिएंट हो जाइए बेटा जल्दी से, विच इज करेक्टली मैच्ड पेयर, कौन सा मैचिंग पेयर है, जल्दी से बताना है आपको, ट्रंप बेहतरीन बेटा, फाइव स्टार। ट्रांसक्रिप्शन में टर्मिनेटर साइट, रो फैक्टर, प्रोकैरियोट, ये मैचिंग सही है क्या, आरएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज थर्ड, टीआरएनए इन प्रोकैरियोट, ये सही ऑप्शन है। टी साई सी लूप, एमिनो एसाइल सिंटेप्लेट इन नेचर, जल्दी से बता के बताइए फटाफट, जल्दी से बताइए बेटा, आंसर करो भाई, आंसर कीजिए जल्दी से। चलिए स्टार्ट करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन अगर बोला जाए तो टर्मिनेटर साइट में बेटा रो फैक्टर ही आता है
और अगर इनिशिएशन होता, अगर यही इनिशिएशन यहां पर प्रोकैरियोट में, बिल्कुल सही बात, आरएनए पॉलीमरेज, आरआरए, फर्स्ट आरआरएनए, सेकंड एमआरएनए, थर्ड टीआरएनए, यहां तक सब लोग जो है बता रहे थे बेटा, यहां तक विवेक का, ये हमेशा डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो यूकैरियोट में पाया जाता। आप सब जानते हैं तीन टाइप के आरएनए यूकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ये भी ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। टी साइज सी लूप, तो अगर आप टी आरएनए का स्ट्रक्चर हमसे, अगर मैंने आपको बताया है यहां पर कि टी आरएनए का जो स्ट्रक्चर है, टी, जल्दी से आंसर करो भाई, सही, टी आरएनए का स्ट्रक्चर जल्दी आंसर कीजिए फटाफट। टीआरएनए का स्ट्रक्चर बताइए भाई, यहां पर आंसर करो जल्दी से, आगे का ऑप्शन दिखा दे रहे हैं आपको, जल्दी बताइए। हाँ बेटा एक सेकेंड, जस्ट इशू, एक सेकेंड एक सेकेंड, दोबारा सोच। हाँ बेटा वीडियो लैग कर रहा है, वही फाइल दोबारा खोल लूंगा, यहां से नहीं है, इधर तो नहीं, एक सेकंड बेटा, हाँ थोड़ा सा लैग कर रहा है, जस्ट अ मिनट, वन मिनट को दोबारा ओपन कीजिए। ओपन होने का, जस्ट अ मिनट बेटा, आ रहा है, थोड़ा सा लैग कर गया है, नेटवर्क इश्यू है, तो जस्ट अपडेट कर रहे हैं फटाफट। हाँ आ गया, ठीक, विजिबल हुआ, चलिए देखिए जरा, आ गया। तो देखिए फटाफट, टी साई सी लूप यहां पर बोला गया है, तो बच्चों याद रखिएगा यहां पर टी आर एन ए का जो स्ट्रक्चर है, एक होता है टी साई सी लूप पर, कमेंट करके ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर आने शुरू हो गए, चंद्रेश भी आ चुका है, चलो जल्दी से बता दो, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर आने शुरू हो गए हैं क्या, बता दो फटाफट, कमेंट करो भाई, ओके धीरे धीरे अपडेट हो जाएगा बेटा। चलिए तो यहां पर टी साइज सी लूप का ये काम नहीं होता है बेटा, टी साइज सी लूप क्या करता है कि सोम को यहां पर में मदद करता है, इसका ये काम होता है, ठीक है। और ये वाला जो लूप है ये कौन सा होता है, डीएचयू लूप का काम, किसका, डीएचयू
लूप का काम होता है और इसे हम पढ़ते हैं TSIC। ये मैंने वीडियो में बताया है तो अगर आप देखेंगे वहां से कवर कर लेंगे। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का जो वीडियो उसे आप अच्छे से देखिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट आइए जेनेटिक कोड, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। MB आप बताइए, यहां पर आंसर केवल जाएगा ओनली ए इज करेक्ट। ओके चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, मॉर्फोलॉजी से बहुत अच्छा सवाल आपके सामने है बेटा। यहां पर पहला स्टेटमेंट है सपोर्टिंग रूट्स फाउंड इन बनियान इज़ोफोरा एंड बनियान ट्री, स्टेम टेंड्रिल्स फाउंड इन गार्ड्स एंड ग्रेप वाइंस, लीफ स्पाइंस सिट्रस बोगेनविलिया। कितने ऑप्शन सही हैं जल्दी बताइए। रिजवान भी आ गया है, सबस फटाफट जल्दी बताएं भाई। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आंसर कीजिए। मैंने आपसे बोला था ये थोड़ा सा आपके लिए, जल्दी बताएं। सपोर्टिंग, देखिए सपोर्टिंग रूट्स आर फाउंड इन बनियान ट्री एंड सुगर केन, सही बात। नोमैटोफोर्स आर फाउंड इन राइजोफोरा बट नॉट इन बनियान ट्री। स्टेम टेंड्रिल आर फाउंड इन गॉड्स एंड ग्रेप वाइंस, तो पहला आपका स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, तीसरा लीफ स्पाइंस नहीं पाई जाएंगी इसलिए गलत होगा। फोटोसिंथेटिक स्टेम यूफोर्बिया में पाया जाता है और ओपनसिया में पाया जाता है लेकिन पोटैटो में नहीं पाया जाता, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, आंसर बताइए भाई यहां पर, ये रॉन्ग। तो आप बताओ सही स्टेटमेंट ए और सी, तो आंसर जाएगा थर्ड मतलब टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ओके चलो बेटा नेट इशू होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से, अपडेट करिए एक बार। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लिविंग फॉसिल, कौन सा लिविंग फॉसिल है जल्दी से बताइए, फास्ट आंसर कीजिए भाई। Which among the following is our living fossil? Limulus, Peripatus, Neopelina, all of the above. जल्दी बताएं। ये बेटा connecting link between Annelida और Arthropoda, जिनको नहीं मालूम है वो जरूर ध्यान रखेंगे। ये सवाल पूछा गया बेटा Annelida और Arthropoda और कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नियोप्लाइना किसमें है, एनेलिडा एंड मोलस्का, एनेलिडा एंड मोलस्का, तो ये याद रखिएगा। और लेमुलस क्या है, लेमुलस किंग क्रैब, आर्थोपोडा का मेन लिंक होता तो एक्सटिंक्ट हो चुका होता, तो आंसर क्या जाएगा फोर्थ, आंसर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फटाफट, थोड़ा तेज चलेंगे बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट का मतलब होता है गलत। फॉर हेमिकॉर्डेट्स जल्दी बताइए फटाफट तेजी से, एक्सक्रीशन बाई जनरल बॉडी सरफेस मतलब GBS जल्दी बताएं। यहां बॉडी कंटेन्स प्रोबोस, तो देखिए प्रोबोसिस ग्लैंड से होता है और यहां पर तो ये स्टेटमेंट गलत, बॉडी इज कंटेन्स प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, तो यहां पर गलत है, फर्टिलाइजेशन क्या होगा एक्सटर्नल। नेक्स्ट आइए रिस्पिरेशन बाई प्रोबोसिस ग्लैंड, नहीं रिस्पिरेशन बाई गिल्स, तो यहां पर ये गलत ये गलत, तो आप आंसर करिए, गलत छांटना है आपको ए सी और डी, आंसर सी डी। नेक्स्ट आइए अगले सवाल का आंसर सभी लोग टाइप करेंगे बेटा, रस्ट फंजाई और स्मट फंजाई सबका आंसर आना चाहिए जल्दी से।
रस्ट फंजाई और स्मट फंजाई, जल्दी से सबका आंसर आ जाए, रस्ट फंजाई और स्मट फंजाई। आंसर करो भाई, गलत है जो लोग, फोर्थ गलत है, रिजवान सेकंड सही है, कविता फोर्थ गलत है बेटा, अपोजिट हो गया है, विवेक गलत है, राहुल सेकंड है सही। तो चलिए फटाफट इसका आंसर सेकंड होगा, बताइए रस्ट फंजाई आप किसे कहते हैं, पक्सीनिया को, और स्मट फंजाई आप किसे कहते हैं, अस्टिलैगो को, और ये दोनों किससे बिलोंग करते हैं, किससे, बेसिडियो माइसिडीज से, किससे, बेसिडियो माइसिडीज से। ठीक है, नेट इशू है बेटा, इधर तो क्लियर आ रहा है, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर आ रहा है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करें फटाफट, प्रॉपर टाइम लीजिए लेकिन आंसर सही करिए, ब्रेन टीजर क्वेश्चन है, आपको अच्छे से दिमाग लगाना पड़ेगा, एनसीईआरटी बहुत लाइन बाय लाइन आपको कंसेप्चुअल आनी चाहिए बेटा, जल्दी बताइए। फटाफट कोई भी आंसर करो भाई, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कीजिए जल्दी, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कीजिए जल्दी। फटाफट बेटा, ऑडियो और वीडियो दोनों विजिबल है ना, ऑडियो और वीडियो दोनों विजिबल है ना, अच्छे से आ रहा है, जल्दी से बताइए। 22 का ए अनुपा लराए 1, और बाकी लोग आंसर करें भाई, बहुत स्लो आप टाइप कर रहे हैं, फटाफट बताएं। चलिए हम बता देते हैं, यहां पर एंडोस्पोरिक नहीं होता है बेटा, ये एक्सोस्पोरिक होता है, तभी प्रोथैलस सॉइल में बनता है, और यहां पर इनसाइड द मेगा स्पोरेंजिया नहीं होता है, आउटसाइड द होता है, भी मालूम है तो भी चल जाएगा, यहां पर आप आंसर कर सकते हैं, टेरिडोफाइट में मेल गेमिटोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट, नहीं, मेल गेमिटोफाइट यहां पर जो गेमिटोफाइट होता है बेटा वो इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी पर डिपेंड, गलत हो गया, जितने भी लोअर लिविंग जिम्नोस्पर्म हैं उनको हम लोग साइगडेल्स में रखते हैं, और जितने एडवांस हैं उन्हें कोनीफरेल्स में रखते हैं, किसमें रखेंगे, कोनीफरेल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, सही आपको छांटना था आंसर थर्ड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिडोफाइटा हैव एडवांसमेंट ओवर ब्रायोफाइटा इन, जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करो भाई, आंसर कीजिए, जल्दी से। अनुपा बिल्कुल सही आंसर है बेटा, डी जाएगा। राहुल गलत है, आप सब यहां पर टेरिडोफाइटा हैव एडवांस, टेरिडोफाइटा एडवांस है ब्रायोफाइटा से, क्योंकि टेरिडोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, सही बात है, जबकि यहां पर वैस्कुलर टिश्यूज नहीं पाए जाते, यहां पर ट्रू रूट्स भी नहीं पाई जाती, जबकि ब्रायोफाइटा कहेगा पहला और दूसरा, ये दोनों टेरिडोफाइटा में है और ब्रायोफाइटा में नहीं है, इसलिए आंसर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट चले बेटा,
ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, जल्दी से आप देख के बताइए। तो यहां कह रहा है कि लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम ये है, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम ये है। तो आप बताओ यहां पर लार्जर और स्मॉलर प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में होगी, लेकिन यहां ये कह रहा है कि ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं। प्लाज्मिक रेटिकुलम पर तो गारंटी है 80S ही प्रेजेंट होता है, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80S। 80S की लार्जर सब यूनिट क्या होती है 60S, स्मॉल 18S RRNA से, पता है आप सबको। और यहां पर ये बना होता है बेटा 8S RRNA 18S RRNA से। और C की अगर बात की जाए तो C को कैसे बताएंगे आप देखिए, C इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो बच्चों C जो है वो 5S RRNA होगा, तो होता है 60 और 40 से 40 से। लेकिन अगर यही प्रोकैरियोट होता तो 70S होता, 70S लार्जर और स्मॉलर की अगर बात करें, लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट, तो ये आ जाता 50S और 30S, 30S बना हो से। और क्या हो जाएगा जल्दी से, अब ऑप्शन देखिए आप, ए क्या हो जाएगा 80S, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। बी क्या हो जाएगा 18S, तो इसका मतलब ये तीनों नहीं होगा यहां पर। और थर्ड सी क्या होगा 5S, तो आंसर क्या आएगा थर्ड। पूरा राइबोसोम बहुत अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हैं, ब्रेन टीजर है इसलिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 25। डीएनए एंड आरएनए हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट दियर डुप्लीकेशन, सही बात है इसकी अगर बात करें बेटा तो ये बात बिल्कुल सही है, दोनों डुप्लीकेट कर सकते हैं। आरएनए इज लेबाइल, बिल्कुल सही, इजिली डिग्रेडेबल सही, ये भी सही, एज कंपेयर टू डीएनए, तो स्टेटमेंट ये भी सही होगा, ये भी। प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल, ठीक है, यूरेसिल कहां होता है आरएनए में, एट द प्लेस ऑफ थायमिन, बताओ भैया यहां पर डीएनए में प्रेजेंट होगा क्या, नहीं डीएनए में नहीं बल्कि आरएनए में, तो आप बताओ आपको गलत छांटना था। और आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, थर्ड, ये थर्ड स्टेटमेंट क्या है गलत, बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, ये बात स्टेटमेंट अच्छे सुन ले आप, यहाँ पर ये दोनों में म्यूटेशन होता है लेकिन जो आरएनए है वो फास्ट और डीएनए इन कंपैरिजन टू स्लो, म्यूटेशन का ऑप्शन जेनेटिक मटेरियल में रहना बहुत जरूरी है बेटा। रीजन क्या है, ताकि बहुत अच्छे से इवोल्यूशन का स्कोप उसमें बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बेहतर सवाल है, आसान सवाल है, जल्दी बताइए। जनरली नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूट्स ऑफ विच फैमिली, कौन सी फैमिली की रूट्स में, ग्रेविनेसी पैप्लियोनॉइडी, जल्दी आंसर कीजिए फास्ट, आंसर कीजिए जल्दी। फोर, तो यहां पर फैबिएसी, नीरज ने बताया फोर, तो आंसर क्या जाएगा फोर, पैप्लियोनॉइडी, बड़ा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से, देखते हैं सबसे मॉडिफाइड हो जाता है लीफ लाइक ऑर्गन में, जल्दी बताइए, स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक ऑर्गन, ऐसा है क्या, नहीं, लीफ लाइक ऑर्गन में लीफ जैसा काम करता है फंक्शनली, लेकिन ऐसा मॉडिफिकेशन नहीं होता है, स्टेम जो है वो फोटोसिंथेटिक हो जाता है लेकिन ऐसा काम नहीं करता है। लीफ आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, ये बात बिल्कुल सही है। फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन साइथियम, साइथियम नाम होता है इनफ्लोरेसेंस का, ये आपको याद रखना पड़ेगा, सीबीएसई में सवाल आया हुआ बेटा। तो फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन साइथियम इनफ्लोरेसेंस, सही बात, तो पहला गलत हो गया। दूसरा अगर बोला जाए यहां पर, सबसे पहले यहां बोल रहे हैं फीमेल और मेल, फीमेल इज टू मेल,
फीमेल एंड मेल रेशियो इज मेनी एंड वन, मतलब फीमेल जो है वो मेनी होती है और मेल जो है वन होता है, ऐसा नहीं है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया, ये क्या हो गया, गलत। ठीक है, फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन साइथियम, बताइए जल्दी से। लीफ आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, तो बताएं भाई यहां पर आपको सही छांटना है, और सही क्या है, स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक ऑर्गन, बोल सकते हैं क्या, कहता वो स्टेम ही है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा बेटा, मॉडिफिकेशन होता है, तो ये ध्यान रखें। दो सही हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। सेकंड, कितने लोग सेकंड कह रहे हैं भाई, सेकंड नहीं, आंसर फर्स्ट होगा बेटा। कोई ऑर्गन जैसा नहीं बनता है, लीफ लाइक ऑर्गन नहीं, स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू फोटोसिंथेटिक फंक्शन, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, तो दो सही हैं ओपंशिया और यूफोर्बिया के लिए। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताइए। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, व्हिच एपिथेलियम प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस एंड ऑल्सो प्ले लिमिटेड रोल इन सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। सिंपल कॉलमनर, ट्रांजिशनल, कंपाउंड और ग्लैंडुलर, जल्दी आंसर कीजिए। साबास, राधा, सी ऑप्शन, आकाश, ग्लैंडुलर, नहीं बेटा मैकेनिकल स्ट्रेस आया है, तो ये आईटी की डायरेक्ट लाइन उठाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अच्छा सवाल है, जल्दी आंसर करो फटाफट, स्पीड बढ़ाओ। चूज द कार्टिलेजिनस फिसेज, इसका आंसर सब टाइप करेंगे, सारे लोग टाइप करेंगे। कार्टिलेजिनस फिसेज का मतलब क्या होगा, कॉन्ड्रेक्थाइस, बताइए। कटला, गलत हो गया। स्कोलियोडोन, लेग फिश और लैम इसमें आती हैं, और कटला किसमें है, ये फ्रेश वाटर बोनी फिशेज हैं, फ्रेश वाटर बोनी फिशेज हैं, इसलिए प्रिस्टिस जिसे सॉफिस बोलते हैं, और कारकारोडोन, प्रांजोल फोर्थ नहीं होगा बेटा, लैम्प्रे साइक्लोस्टोमेटा में आता है यहां पर, तो प्रिस्टिस सॉफिस और कारकारोडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क, आंसर क्या आएगा, सेकंड। सभा, सकलेश, आकाश, अनुज, गलत है बेटा, बोला था एग्जांपल आप, ये वाला सवाल सारे लोग फर्स्ट टाइप करें बेटा। द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ, कोई भी, सारे बच्चे टाइप करेंगे इसका आंसर, जल्दी बताएं भाई, जल्दी बताएं। राहुल, सेकेंड आंसर करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कीजिए जल्दी, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कीजिए, 30 का क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कीजिए जल्दी। राधा, सी, रिजवान थर्ड, रिजवान थर्ड, धीरेंद्र आ गया है, इतना लेट, आगे से ध्यान रखें बेटा, क्लासेस जब भी शेड्यूल हो कोशिश करिए थोड़ा सा टाइम पे आ जाइए, मेरी तरफ से दिक्कत तभी आएगी जब थोड़ा टेक्निकल इश्यू होगा, अदरवाइज ऑन टाइम हम मिलेंगे आपको। चलिए थर्ड, तो इतना टाइम नहीं होना चाहिए, थर्ड काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताइए भाई। Which is the correct statement for gymnosperm? पहली चीज सही छांटना है, किसके बारे में, gymnosperm के बारे में। Deer sporophytic, जल्दी से आंसर कीजिए इसका। Deer sporophytic generation is smaller, बिल्कुल गलत बात है, मेन प्लांट बॉडी ही स्पोरोफिटिक होती है, और स्पोरोफिटिक जनरेशन ज्यादा
बड़ी होती है, अब पैरासिटिक नहीं होती है स्पोरोफिटिक जनरेशन, बल्कि गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आइए, मियोसिस टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मियोसिस टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ गेमेट, जल्दी बताइए। तो याद रखिए बच्चों, मियोसिस से माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनते हैं, गेमेट के लिए फॉर्मेशन ऑफ गेमेट माइटोसिस, मेल गेमेटोफाइट में ही मेल गेमेट बनेगा तो फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स के लिए क्या होगी, माइटोसिस, एंजियोस्पर्म में भी ऐसा ही होगा। नेक्स्ट आइए, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, दियर गेमेटोफिटिक जनरेशन इज डोमिनेंट, ये तो गलत हो गया, गेमेटोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट नहीं होती, विच प्रोड्यूसेज स्पोर्स, ये और गलत। थर्ड, विवेक कुमार बिल्कुल सही बेटा, आंसर आएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से कौन बताता है। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी स्ट्रक्चर है, पहले तो ये याद रखिएगा कि ये एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर अगर देखा जाए बीच में ये क्या प्रेजेंट होंगी, प्रोटीन्स, तो और यही प्रोटीन से और लिपिड से यहां पर लगे होंगे ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, तो इन्हें हम सुगर्स बोलेंगे, जो सुगर्स होंगी वो सिर्फ आउटर साइड होंगी भाई, तो प्रोटीन प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस, नहीं केवल आउटर सरफेस नहीं, आउटर एंड इनर, एंड इनर एंड लिपिड इज प्रेजेंट ओनली इन इनर सरफेस, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट, एसिमेट्रिकल क्यों है, एसिमेट्रिकल का मतलब कोई एक चीज जो या तो अंदर हो या तो बाहर हो, कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस, सही बात, एंड कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट इन इनर सरफेस, नहीं, होल, कोलेस्टेरॉल जो है होल सेल मेम्ब्रेन में होता है स्टेबिलिटी के लिए, ये भी गलत हो गया। कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन आउटर सरफेस, सही बात, एंड स्पेक्ट्रिन, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन है बेटा, और स्पेक्ट्रिन प्रोटीन इस तरीके से दिखा दे रहे हैं, ये है स्पेक्ट्रिन प्रोटीन, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन प्रेजेंट ओनली ऑन इनर सरफेस, सही बात, तो याद रखिएगा। थर्ड ऑप्शन इज द लेयर एंड इन मोजैक पैटर्न, ऐसा सही तो है लेकिन नॉट रीजन फॉर एसिमेट्रिकल, नॉट रीजन फॉर एसिमेट्रिकल। थर्ड, कार्बोहाइड्रेट बाहर की तरफ होता है, नहीं कोलेस्टेरॉल पूरे में होता है बेटा, आप फिगर एनसीईआरटी में देखिए धीरेन्द्र, ठीक है, आंसर सी पार्ट, सुगर जो है वो हमेशा प्रेजेंट होती है कहां पर, बाहर के साइड, ये तो आप जानते ही हैं, स्पेक्ट्रिन जो है एक प्रोटीन है जो केवल इनर सरफेस पर पाई जाती है। 32 का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं कौन बताता है, फास्ट, पार्टिकल्स ऑब्जर्व बाई जॉर्ज पैलेडे कंपोज ऑफ टू सब यूनिट टी एस bigger than the cytoplasmic ribosome, cytoplasmic ribosome भी क्या होते हैं HTS, तो इसका मतलब ये देखो ये क्या है same size, ये जो है incorrect है, answer क्या जाएगा first, दोनों सही है बेटा, A और B दोनों सही है, ये सब NCERT की line है। चलिए third में confusion है, अच्छा थर्ड ये कह रहा है बेटा, देखो अनुज यहां पर बेटा ये कह रहा है कि राइबोसोम जो ER पर प्रेजेंट होता है, आप बताओ अभी हम लोगों ने पिछले सवाल पढ़ा है कि वो कौन सा होता है HTS, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो यूकैरियोट में पाया जाएगी क्या होता है HTS, तो आप बताओ दोनों की साइज सेम होगी ना बेटा, जबकि आप देखो यूकैरियोट के अंदर अगर क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इनमें क्या होता है साइटोप्लाज्म से छोटा राइबोसोम पाया जाता है, क्लियर हुआ बेटा, हाँ शाबाश, ए भी सही है, तीन में कंफ्यूजन है, अनुज क्लियर हो गया बेटा, हाँ 32 का थर्ड क्या था, अच्छा 32 के थर्ड में कंफ्यूजन का मामला नहीं है, केवल ये ध्यान रखना आपको बेटा कि कार्बोहाइड्रेट आउटर सरफेस पे एनसीईआरटी का फिगर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, और स्पेक्ट्रिन एक प्रोटीन है जो अंदर की तरफ पाई जाती है, ठीक है, ओके। चलिए, अगर आपने ट्रांसलेशन अच्छे से पढ़ा है तभी आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे, तो आप देखिए ड्यूरिंग ट्रांसलेशन
पेप्टाइड बॉन्ड। तो आपसे अगर हम पूछें पेप्टाइड बॉन्ड किसमें बनता है, एमिनो एसिड वन और एमिनो एसिड टू, तो दो एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड है वो पेप्टाइड बॉन्ड है। तो ये पूछा जा रहा है कि यहां पर बिटवीन किसके किसके बीच में बनता है। तो ट्रांसलेशन जब होगा बच्चों, तो यहां पर आरएनए, मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है आपको, एमआरएनए पर ये लार्जर सब यूनिट और ये स्मॉलर साइट, यहां पर पढ़ाया था मैंने आपको ए साइट। तो आप देखो यहां पर ई साइट, यहां पर पी साइट और यहां पर ए साइट। तो यहां जो एमिनो एसिड आएगा वो कौन सा आएगा, फर्स्ट। यहां ए साइड एंड का इस साइड कौन होगा भाई, NH2। तो आप क्या कहोगे, सी डबल ओ एच जो है वो पी का, सी डबल ओ एच पी का, और NH2 ग्रुप जो है वो ए का। तो ये आपको ध्यान रखना है, वीडियो अगर आप देखेंगे ट्रांसलेशन का तो अच्छे से आप बता पाएंगे। चलिए फटाफट आंसर करें भाई। तो सी डबल ओ, और बड़ा आसान है, दो एमिनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनने को पेप्टाइड बॉन्ड, तो बताइए कौन कौन सी साइट, तो पी साइट और ए साइट, ठीक है। बस याद रखिएगा जो पहला एमिनो एसिड है बेटा वो आता है पी साइट पे, और नेक्स्ट एमिनो एसिड आता है वो आता है हमेशा ए साइट पे, एक्सेप्टर साइट बोलते हैं। तो याद रखिए, बहुत अच्छा सवाल है, जैसा नाम वैसा ही सवाल मिलेगा आपको। ब्रेन टीजर नाम है तो ब्रेन पे टीज होगा, निचोड़ आपको देना पड़ेगा बेटा। चलिए नेक्स्ट सवाल सबका आना चाहिए, जल्दी बताइए। सेल स्ट्रक्चर, टिश्यू का मतलब ग्रुप ऑफ सेल हैविंग ए कॉमन ओरिजिन यूजुअली परफॉर्मिंग ए कॉमन फंक्शन, और नेक्स्ट परमानेंट टिश्यू हैज मोर पावर ऑफ माइटोसिस बोथ वन एंड टू। आंसर करिए बेटा बोथ वन एंड टू, आंसर क्या आएगा, फोर, क्योंकि परमानेंट टिश्यू जो होता है वो माइटोसिस। तो यहाँ पर ये भी आपका स्टेटमेंट सही है, ये भी आपका स्टेटमेंट सही। मॉर्फोलॉजी का मतलब एक्सटर्नल, एनाटॉमी का मतलब इंटरनल। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सबस डी पार्ट, बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं इसका। आंसर भी सवाल है फटाफट, मार्क द ग्रुप ऑफ फाइला इंक्लूड ओनली द एनिमल्स विद ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। जिनको ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान नहीं आ रहा है उनको हम बता दे रहे हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, incomplete digestive tract, इसी को blind sac body plan कहते हैं। तो बताइए porifera cylindrata, porifera platyhelminthes, platyhelminthes escalmenthes, cylindrata platyhelminthes, जल्दी आंसर करें भाई फास्ट फटाफट। आंसर ज्यादातर लोग दे रहे हैं भाई, देखिए यहां पर याद रखिए बेटा, पोरीफेरा के लिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो कोई भी बॉडी प्लान की बात नहीं करेंगे पोरीफेरा में। एसके हेलमेंथीस में कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आ जाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आ जाता है, तो इसकी भी बात नहीं करेंगे, आंसर जाएगा फोर्थ। बहुत अच्छे, नेक्स्ट विवेक कुमार गलत है बेटा, फर्स्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सारे लोग बताएंगे बेटा, ये सवाल ये कह रहा है कि मोनेरा के अंदर जो फ्लैग एरियॉट या फिर करिए एनसीआरटी, नहीं, क्या इसमें एक्टिन होती है, नहीं, क्या इसमें फ्लैजिलिन प्रोटीन, सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, मल्टी स्टैंडर्ड नहीं, 9+2 अरेंजमेंट भी नहीं होता है। तो याद रखिए, अब एनसीआरटी की लाइन है यार, स्पेशल प्रोटीन फ्लैजिलिन से बना होता है और सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये एनसीईआरटी का सवाल है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये सब लोग बताएं जल्दी से, मैं आपको टाइम दे रहा हूं जल्दी से, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से आप बताइए इसका आंसर। थर्ड प्रांजुल थर्ड, अनुज थर्ड, यशवंत थर्ड, ठीक है, धीरेन थर्ड। देखिए बेटा ये सवाल अच्छा इसलिए हो जाता है कि यदि आप फंगस पे ध्यान नहीं देंगे तो आप तुरंत आंसर कर जाएंगे वन एंड थ्री, जबकि आप देखो ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया है, ई कोलाई क्या है बच्चों, बैक्टीरिया, और न्यूरोस्पोरा क्या है, फंजाई, और इसी के लिए बात हो रही है, इसलिए आंसर क्या जाएगा, थर्ड। तो ये आप ध्यान रखेंगे, न्यूरोस्पोरा फंजाई है। अच्छा बता दीजिए, फंजाई जो है ये न्यूरोस्पोरा किसमें आता है, एस्को में, एस्कोमाइसिटीज, किसमें आएगा बच्चों, एस्कोमाइसिटीज, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी, अच्छा सवाल, जल्दी से ये सवाल बता दीजिए आप,
देखते हैं कौन बता देता है इसका पहले आंसर। ब्रायोफाइट्स रिजेंबल एल्गी, ब्रायोफाइट्स एल्गी से मिलते जुलते हैं, ऑन द फॉलोइंग रूट स्टेम में होता है और हेटरोट्रॉपिक मोड। अब तो देखो यार, यहां पर ब्रायोफाइट और एल्गी दोनों ऑटोट्रॉपिक हैं, तो ये तो गलत हो गया। थैलस लाइक प्लांट बॉडी दोनों में होती है, लैक ऑफ वैस्कुलर टिश्यू दोनों में होता है, अब्सेंस ऑफ रूट्स दोनों में होती है। ब्रायोफाइट में रूट लाइक होता है, रूट नहीं होता। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों में होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, सेकेंड आंसर, सेकेंड। थर्ड क्यों गलत होगा, थैलस लाइक प्लांट बॉडी प्रेजेंस ऑफ रूट्स गलत है, तो आंसर क्या हो गया बेटा, सेकेंड। तो आसान सवाल, देखो सवाल को देख के किसी बच्चे को नहीं डरना है, सवाल सारे एनसीईआरटी से हैं बेटा, है ये आपको बताना है कौन सा सही स्टेटमेंट है, ये आपको बताना है। जल्दी से पढ़िए, न्यूक्लियर मैट्रिक्स जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं, उसमें न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमैटिन होता है, क्या ऐसा है क्या? बाहर कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, थीका का मतलब मेम्ब्रेन, तो एक्टोकैरियोथीका का मतलब हुआ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो बच्चों बताइए, यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस विद ईआर, सही बात है, यही तो कंटिन्यूअस होके रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है, एंड ऑल्सो बियर्स राइबोसोम ऑन इट, बिल्कुल सही। चलो यहां पर स्मॉल एंड लेस नंबर जो एक्टिवली कैरी करेगा प्रोटीन सिंथेसिस को, उसमें राइबोसोम ज्यादा लगेंगे, और राइबोसोम ज्यादा लगेंगे तो राइबोसोमल फैक्ट्री, तो स्मॉल की जगह क्या आ जाएगा लार्ज, और लार्ज एंड मोर, लार्ज एंड मोर, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। अगर ये सेल है और अगर ये न्यूक्लियस है बेटा, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस है, तो आप बताओ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पेरी न्यूक्लियर स्पेस और यहां पर इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब मिलके यहां पर न्यूक्लियर एनवेलप जो बना रहे हैं वो पेरी न्यूक्लियर स्पेस फॉर्म्स ए बैरियर, जल्दी से बताइए सही होगा या गलत होगा, आपको सही छांटना है सवाल, अगर आप देखेंगे तो आपको सही छांटना है बेटा, जल्दी बताइए। अभी तक आपको ए सही मिला है, बी सही मिला है, जल्दी आंसर कीजिए। तो बच्चों याद रखिएगा, यहां पर पेर मेम्ब्रेन ये तीनों होते हैं, तो याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे गलत लगाते हैं ए बी और डी, तो डी तो कभी होगा ही नहीं, तो आंसर क्या जाएगा ए फर्स्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट आइए और बताइए फटाफट इसका आंसर कीजिए, विच सेल ऑर्गेनेल कंसर्न विद कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू सुगर्स, मतलब फैट को कार्बोहाइड्रेट में कौन कन्वर्ट करता है, जल्दी बताइए। इस साइकिल का नाम होता है ग्लाइएट साइकिल, अब नाम बता दीजिए, आंसर बताइए, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, बताएं बेटा ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, अरे अश्वंत फोर्थ, कैसे फोर्थ होगा भाई, गलत है ये, फैट को सुगर में, गॉल्गी बॉडी का काम केवल पैकेजिंग होता है यार, अनुपाधि नहीं, धीरेंद्र इतना हिंट दे दिया, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, तो ग्लाइऑक्सीसोम, ये सीबीएसई का सवाल है, ये पूछा गया है नीट के अंदर बेटा, तो इसलिए बहुत गौर से इन सवालों को ध्यान रखना, बिल्कुल रद्दी सवाल नहीं करा रहे, जो बेहतर और बिल्कुल ब्रेन टीजर है उसी, नहीं गॉल्गी बॉडी नहीं होगा, गॉल्गी बॉडी का काम होता है केवल और केवल पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, और ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल माइक्रोबॉडी है, ये माइक्रोबॉडीज हैं, तो ये बहुत बार पूछा गया है, ये ध्यान रखिए, सेकंड आंसर आएगा, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से, देखते हैं कौन बता देता है। यहां पर इकोलाई, इकोलाई में रो फैक्टर, इकोलाई मतलब प्रोकैरियोट और प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरिया में जो रो फैक्टर है, रो, जल्दी से बताएं,
शुरू करने के लिए होता है या ट्रांसक्रिप्शन को या फिर खत्म करने के लिए। तो याद रखिए बच्चों, इनिशिएशन के लिए हमेशा आता है सिग्मा और टर्मिनेशन के लिए हमेशा आता है रो फैक्टर, और यहां पर किसी भी टर्मिनेशन नहीं हो सकता। और इन्होंने पूछा है रो फैक्टर, और रो फैक्टर किसके लिए? टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एट स्पेसिफिक साइट। तो आंसर क्या जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सबस। नेक्स्ट ये सबसे सरल सवाल है, इसमें आप सारे लोग आंसर कर सकते हैं बेटा, सब लोग बता सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन छांटना है प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट का मतलब आप सब जानते हैं, एराइज फ्रॉम रेडिकल। एराइज कल बताइए, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, अगर जमीन की तरफ टूवर्ड्स द सॉयल जा रही है, टूवर्ड्स सॉयल, टूवर्ड्स वाटर, तो बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिक। बताएं भाई, आंसर बोलें। सेकंड, बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, नेगेटिवली नहीं होगी, तो ए एंड बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट फटाफट एग्जांपल पूछा है, ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हम लोगों ने बात की है। लैटरल का मतलब होता है बेटा सेकेंडरी, लैटरल का मतलब होता है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट आइए कॉर्केम्बियम, यहां देखिए एपिकल मेरिस्टेम दिया। जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब सही नहीं है, सही नहीं है मतलब गलत। ओके, ठीक है अनुज बेटा, नेट अपडेट कीजिए, वीडियो लैग कर रहा है, तो फटाफट जल्दी से। आर मोस्ट एबंडेंट, सही बात, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, सही बात। तो ये इज एन एग्जांपल ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। हेयर सेल्स, सेल्स का मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, लेकिन बेटा ये फाइबर्स नहीं होते हैं, तो फाइबर्स अगर नहीं है तो ये गलत हो गया। तो आप बताइए कौन कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। वीडियो लैग कर रहा है, वीडियो लैग कर रहा है, ठीक है। चलिए जल्दी करें भाई, फटाफट देखिए वीडियो सही हुआ क्या। चलिए जल्दी करें भाई, फटाफट देखिए वीडियो सही हुआ क्या। देखो बेटा कमेंट करो, वीडियो सही हुआ क्या, वीडियो सही हो गया क्या, फटाफट देखिए बताइए, टाइप कीजिए एक बार। हो गया है शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो स्पीड बढ़ाइए बेटा, जल्दी से। जल्दी से बताइए, आंसर टाइप कीजिए अगर वीडियो सही आपको दिख रहा है, जल्दी बताएं, बताइए। तो यहां पर ऑल आर ए मोनेरा नॉस्टॉक, तो यहां पर यूकैरियोट सब नहीं है, और स्पाइरोगायरा वो यूनिसेलुलर नहीं है। चलिए, पर यूग्लिना जो है यूनिसेलुलर है, क्लोरेला जो है यूनिसेलुलर है, ऑल हैव क्लोरोफिल, सही है क्या। साफ थायलोकॉइड और ग्रेना नहीं, ये केवल क्लोरोप्लास्ट में होता है, स्टार्च है। प्रेजेंस ऑफ थायलोकॉइड और
ठीक है, ट्राई करो बेटा एक बार, नेट का इशू नहीं है बेटा, यहां से नेट का इशू। बताएं इसका आंसर। साइंटिफिक और कॉमन नेम दोनों दिया गया बेटा, मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव। बेटा तरफ से कोई समस्या नहीं है? नहीं बेटा, इधर स्मूथली चल रहा है। आप एक बार नेटवर्क आप चेक करो। चलिए, स्लाइम मोल्ड स्पोर्स आर डिस्पर्स, मोल्ड स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, ये बताइए जरा कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा गलत। प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल, सही बात। लाइसोसोम इट्स एंजाइम एक्टिवेट एट एसिडिक पीएच, सही बात। राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, गलत बात। तो ये क्या हो गया, गलत। ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव पार्ट ऑफ क्रोमेटिन, ये बात बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट, आंसर थर्ड सी पार्ट, बहुत अच्छे। नेक्स्ट बताना है आपको, सी पार्ट, बहुत अच्छे। नेक्स्ट बताना है आपको, यहां पर फिगर दिया गया बेटा, फिगर को देखिए और बताइए। 57 नंबर, फिगर को देखिए और बताइए, पहचानिए जरा। सबसे पहला वाला ये है, सेकंड ये मेटाफेज क्रोमोसोम अरेंज है। यहां पर क्या बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, सी पार्ट, सेकंड, ठीक है। यहां होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज है, आंसर बताएं। सबस प्रांजुल, बिल्कुल सही जवाब। आंसर क्या होगा बेटा, थर्ड, एनसीईआरटी का फिगर है, देखिए अच्छे से। नेक्स्ट बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा रॉन्ग है, रॉन्ग मतलब ना ऊपर। तो यहां पर बेसिपिटल मैनर, हाँ, रेसिमोज में एक्रोपिटल और यहां पर बेसिपिटल, सही बात। रोज फ्लावर जो है वो एपिगाइनस होते हैं, नहीं, रोज फ्लावर लत। इन अल्स्टोनिया फिलोटैक्सी इज वाइल्ड, बिल्कुल सही। स्टेम रूट, आंसर बताएं बेटा, थर्ड पार्ट, आंसर थर्ड पार्ट। नेक्स्ट, इन्होंने इस सवाल में पूछा है कि बताइए जरा कौन यूनिवर्सल ब्लड डोनर है और कौन यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, ये आपको बताना है। तो यूनिवर्सल डोनर अगर पूछा है तो वो कौन होगा बेटा, ओ, जल्दी बताओ, यूनिवर्सल डोनर कौन होगा, ओ, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन होगा, ए बी। ओ के पास नो एंटीबॉडी, तो याद रखिएगा ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, तो आंसर क्या चला जाएगा, अगर इससे सरल सवाल कोई हो नहीं सकता है, अगर अगर इज ऑब्टेंड बाई, जल्दी बताओ, कॉन्ड्रस लेमिनेरिया सार्गसम जेलिडियम, फटाफट आंसर टाइप करिए। अगर अगर इज ऑब्टेंड बाई, आंसर, बाकी लोगों का आंसर नहीं आ रहा है, बहुत स्लो टाइपिंग कर रहे हैं बेटा। अखिलेश दो, नहीं, फिर से देखिए आंसर बोलिए बेटा। अगर अगर जो कि रेड एल्गी से मिलता है, वो मिलता है जेलिडियम और ग्लैसीलेरिया से, जेलिडियम और। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे लोग बताएंगे, इनडिस्ट्रक्टिबल सेल वॉल फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटिस्ट, बताएं किसके अंदर इनडिस्ट्रक्टिबल सेल वॉल पाई जाती है। सबस क्राइसोफाइट्स, याद करिए क्राइसोफाइट्स में डायटम्स और गोल्डन एल्गी लिया गया था, के अंदर क्या पाया जाता था, सिलिका।
तो ये इनडिस्ट्रक्टिबल होती थी, फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप में काम आती थी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल जल्दी बताइए, कौन सा एक्वेटिक फर्न, कौन सा एक्वेटिक फर्न नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करता है? एजोला, नॉस्टॉक, साल्विया, साल्विनिया, जल्दी बताएं। सबास धीरेन्द्र, सबास, बहुत बढ़िया, डायटम। चले अगले क्वेश्चन का आंसर दो बेटा, कौन सा एक्वेटिक फर्न, नहीं कौन सा एक्वेटिक फर्न नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म कराता है, जल्दी बताएं फटाफट तेजी से। आंसर होगा एजोला, एजोला टेरिडोफाइट है। और ये किसके साथ बेटा, एनाबीना, एजोला की लीव्स और एनाबीना, एनाबीना क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये लोग जो है पैडी फील्ड्स में, कहां पर, पैडी फील्ड्स में कितने परसेंट यील्ड बढ़ाते हैं, 50% यील्ड बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं भाई। एवरी क्रोमोसोम इसेंशियली हैज द ऑन द साइड ऑफ विच डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड आर प्रेजेंट, चूज द करेक्ट वर्ड्स फॉर द ब्लैंक्स रिस्पेक्टिवली। तो अगर एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ऐसे भी आप बना सकते हैं यहां पर, और ऐसे भी आप बना सकते हैं बेटा। आप कहेंगे दोनों में, आंसर बताओ, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये जो हो गया वो हो गया प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसे बोलते हैं सेंट्रो, उसके ऊपर डिस्क शेप स्ट्रक्चर जो स्पिंडल फाइबर को अटैच कराता है, जिसे बोलते हैं काइनेटोकोर्स। तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर आएगा क्या, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर्स, आंसर थर्ड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ डिवीजन क्रोमोसोम्स आर मूव टू इक्वेटोरियल, कब मूव करेंगे, जल्दी बताएं। सबसे सरल सवाल है ये, मेटाफेज, इक्वेटोरियल प्लेट पे कब आएंगे, मेटाफेज पे। जिनका नेट सही है उनको वीडियो और ऑडियो दोनों अच्छे से पहुंच रहा है, मेटाफेज। नेक्स्ट आइए बेटा, ये बहुत अच्छा सवाल है एनसीईआरटी से, मेरी तरफ से आंसर करें बेटा आप सब, 3-स्टार क्वेश्चन है। कुछ जीन ऐसे हैं जो